आज हम आपके लिए लाए हैं आलू मेथी की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। आपने आलू मेथी की सब्जी बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन जो हम तरीका आपके साथ बनाने का शेयर कर रहे हैं ये बहुत ही एक अलग है और बहुत टेस्टी बनेगी। मेथी का जो कड़ुआपन होता है ना अपना, वो भी आपको इसमें नहीं समझ में आएगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे अपने परिवार के साथ। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल आशा वर्मा फूड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत हेल्दी, टेस्टी और बहुत इजी रेसिपीज हमारे चैनल पर आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम क्या कहते हैं, मेथी को अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं। ये जो डंडियाँ वगैरह हैं ये हटा लेंगे और अच्छे अच्छे पत्ते हम रखेंगे और इनको अच्छे से हम धुल लेते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। अब चलिए इसको थोड़ा हम कट कर लेते हैं। आजकल हरी सब्जी मार्केट में बहुत आने लगी है, सर्दियां शुरू हो गई हैं, बहुत मार्केट में अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही हैं। तो आप भी इस तरह से मेथी लाइएगा और हमारे बताए हुए तरीके से आप भी सब्जी बनाइएगा, आपको सब्जी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए झटपट हम जो मेथी है इसको हम कट कर लेते हैं। आप कोशिश करिएगा जितनी छोटी छोटी आप कट कर सके उतनी छोटी छोटी आप कट कर लीजिएगा। अब ये देखिए, मेथी हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब आइए आगे की भी तैयारी हम आपको बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने सरसों का तेल लिया है। तेल की मात्रा तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा और बस इसको हम गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो इसकी फ्लेम को हम धीमी कर देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर इतना हमने लिया है जीरा, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। और ये लिया है इतना हमने प्याज, प्याज को भी डाल देंगे। साथ में ही हम डाल देंगे इतना लहसुन, तो जिससे ये दोनों एक साथ अच्छे से पक जाएं। अब गैस को हम मीडियम कर देंगे और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। प्याज लहसुन थोड़ा पक गया है तो अब इतनी हमने यहाँ ली है अदरक, इसको हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने टेस्ट के मुताबिक ले लिया है मिर्च और उसको हमने बीच से कट किया है, जिससे क्या है ना, सब्जी में पूरे मिर्च जो है इसके बीच जो है वो आ जाएंगे, तो जो तीखापन है मेथी का वो हमको नहीं लगेगा और अच्छा सा स्वाद आएगा। तो स्वाद के मुताबिक आप मिर्च डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए। अब इसमें हम लेंगे इतने टमाटर, टमाटर आप बढ़िया देसी वाला लीजिएगा, खट्टा खट्टा वाला और बढ़िया पका वाला, इससे ना स्वाद बहुत अच्छा सा आता है मेथी और आलू की सब्जी में। तो बस इसको थोड़ा सा हम पका लेते हैं, हल्का हल्का जब गल जाएगा बस उतना ही हमको इसको टमाटर को पकाना है। टमाटर थोड़ा सा गल गया है तो अब इसमें हम इतना कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा सा आता है। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दीजिएगा, हम इसमें गरम मसाला नहीं डाल रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने ली है आलू, आलू हमने उबली ली हुई हैं और उनको अच्छे से छील कर हमने कट कर लिया है और ये हम इसमें आलू डाल देंगे। आप अगर कच्ची आलू का इस्तेमाल अगर कर रहे हों
तो आलू को आप जब टमाटर आपने डाला है ना उस समय आप डाल दीजिएगा। अब बस इसको धीमी धीमी आंच पर आप थोड़ा सा आलू को पका दीजिएगा, वही 90% के आसपास। हमारी आलू पकी हैं तो हमने इस समय इसमें आलू डाली हुई हैं। अब देखो हमारी आलू पड़ गई हैं और ये जो मेथी है, अब मेथी हम इसमें डाल देते हैं। मेथी की सब्जी बनाने में एक आप ध्यान रखिएगा कि इसकी सब्जी को आप ढककर मत पकाइएगा, हमेशा मेथी की सब्जी को खुला आप पकाया करिए, खुले बर्तन में। अभी देखिए मेथी भी डाल दिया हमने, अब इसको हम मिला लेते हैं। अभी आप गैस को धीमा रखिएगा, जिससे क्या रहेगा ना, मेथी अपना पानी अच्छे से छोड़ देती है। अब ये देखिए यहाँ हमने लिया है नमक, तो नमक आप स्वाद के मुताबिक डाल दीजिएगा। अभी गैस एकदम आप धीमी रखिएगा, धीमी आंच पर इसको आप थोड़ा सा पकाइए। बहुत जल्दी से पक जाती है सब्जी, क्योंकि आलू भी पक गई, मसाले भी हमारे पक गए हैं, बस केवल थोड़ा सा मेथी को हमको पकाना है। ये देखिए कितनी कम रह गई पत्ते इसके, देखिए पहले कितने ज़्यादा दिख रहे थे। बस इसको खुला खुला करके पकाइएगा। और जो सब्जियां होती हैं हरी, उनको तो हम ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन मेथी की खासियत ये है, अच्छा सा अगर स्वाद देना है तो इसको आप खुला करके पकाया करिए। बाकी तो और सब्जियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ढक कर पकाएँ खुला पकाएँ, लेकिन मेथी आप बढ़िया ऐसे ही जैसे हम पका रहे हैं बस वैसे ही आप इसको खुला खुला पकाइए। बस 2 मिनट के आसपास, 3 मिनट के आसपास में मेथी अच्छे से पक जाती है। बस इसको थोड़ा सा हम धीमी आंच में ऐसे ही पकने देते हैं। अब ये देखिए पानी जो है सब्जी में बिल्कुल भी नहीं है, बढ़िया सा इसका पानी जो है सूख गया है, मेथी भी हमारी पक गई है। अब इसमें हम 2 चीज़ें और डालते हैं। पहले तो है थोड़ा सा घी, अगर घी आप पसंद करें तो इसमें थोड़ा सा घी डालिएगा, देखिएगा एक अलग ही स्वाद सब्जी का आएगा। तो इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, घी तभी डालिए जब आपकी सब्जी बन गई हो, नहीं तो सब्जी घी का जो स्वाद है ना वो चला जाता है। बस इसको थोड़ा सा हम पकाते हैं। और यहाँ पर हमने ली है थोड़ी सी धनिया हरी वाली, अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। धनिया कट कर लिया है, अब धनिया को भी हम इसमें डाल देते हैं और एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस को हम एकदम से बंद कर देते हैं। तो ये देखिए झटपट आलू मेथी की बढ़िया सी सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो आप बताइए आज जो हमने आपके साथ आलू मेथी की सब्जी की रेसिपी शेयर की है आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।